दिल्ली में अगले 5 दिन अच्छी बारिश के आसार नहीं है। जी हां, मानसून रेखा के दिल्ली से दूर जाने के चलते दिल्ली से बारिश की दूरी यूं ही बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान इक्का दुक्का जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है, इसके चलते लोगों को गर्मी और उमस झेलनी पड़ सकती है। वहीं दिल्ली में अगस्त में होने वाली बारिश अब तक उतार चढ़ाव से भरी रही है। महीने के ज्यादातर दिन सूखे रहे हैं, लेकिन जब बारिश हुई तो एक ही दिन में बहुत ज्यादा हो गई। इससे लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार को भी लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। जी हाँ, सफदरजंग मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। आपको ये भी बता दें, अच्छी बारिश नहीं होने का असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिल रहा है, यानी एयर क्वालिटी। आमतौर पर जुलाई और अगस्त में ज्यादातर दिनों तक वायु गुणवत्ता सूचक 100 से नीचे यानी संतोषजनक श्रेणी में रहता है, लेकिन इस बार बारिश के उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचक 115 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। सफर का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच सूचक में थोड़ी बढ़ोतरी और हो सकती है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।